गाइस यार वेलकम बैक हो गया सभी लोगों का नॉट गेम फ्लिक के एकदम ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। और आज हम लोग जाने वाले वापस से फोर्जा होराइजन 5 में, जहां पर भाई मैंने अपनी ड्रीम कार फाइनल ले ली थी, बट यार वो अभी तैयार नहीं है। तुम समझ रहे हो, एकदम स्टॉक है, एकदम बेसिक है। आज हम लोग उसको भाई नेक्स्ट लेवल एकदम क्रेजी कार बनाने वाले हैं। तुम लोग तैयार हो जाओ भाई। जिसने भी लाइक नहीं करा लाइक कर दो, 50K लाइक का गोल है। जो भी नया है सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो और चलते हैं, जरा देखते हैं अपनी निसान जीटी। यार गाइस फोर्जा होराइजन के अंदर आ चुके हैं। सबसे पहली चीज ये कि मैं अभी कॉर्वेट चला रहा हूं, क्योंकि मैंने अपनी जो GTR थी ना वो लाइक थोड़ा बहुत यार उसमें पिछली बार थोड़ा सा इधर उधर लग गई थी, तो इसलिए मैंने गाड़ी दे रखी थी। रुको जरा, सबसे पहले हम लोग वर्ल्ड मैप लगाते हैं, जहाँ से जाके हम लोगों को अपनी गाड़ी उठानी है, जो कि है ये सुपर 7। ठीक है, यहाँ से हम लोगों को अपनी गाड़ी वापस से उठा के लेके आनी है। तो चलो चलते हैं भाई अपने कॉर्वेट में। भाई लेकिन एक बात बताओ भाई, कॉर्वेट भी एकदम खतरनाक नेक्स्ट लेवल नहीं लगती है? देखो भाई साहब, भाई मैं मजाक नहीं करूँगा यार। पता नहीं यार, तुम लोग बताना तुम लोगों की फेवरेट कार कौन सी, क्योंकि हर किसी की ऐसा थोड़ा होगा कि GTR ही होगी। सीधी सी बात है, किसी को कोई दूसरी कार भी पसंद होगी, राइट? तो क्लोज वन। तो भाई हो सकता है तुम लोगों को कोई दूसरी कार ज़्यादा पसंद हो, तो वो चीज़ है मेरे को बताना गारंटीड कमेंट सेक्शन में। तुम लोगों की फेवरेट कार कौन सी? भाई मेरी तो एज ऑलवेज GTR है, बट तुम सबको ही पता है कि भाई GTR कितनी ज़्यादा महंगी कार है, तो वो मैं कभी ले पाऊँगा नहीं ले पाऊँगा वो सारी तो देखने वाली बात है, वो तो हम फ्यूचर में देख लेंगे, राइट? कि मतलब अगर कभी ले पाया, अभी के लिए जैसे अभी है तो अभी तो मैं बोलूँगा कि मैं शायद से नहीं ले पाऊँगा कभी गाड़ी, ठीक है? बट यस, देखते हैं ना, किसी ना किसी दिन तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। और यस, अभी मेरे को थोड़ा बहुत ड्रिफ्टिंग भी सीखनी है अच्छे से, मतलब वही वाली चीज़ है कि मैं सीख रहा हूँ, बट मेरा ना एक्चुअली शोल्डर में लाइक प्रॉब्लम है, उसकी वजह से जिम भी नहीं जा पा रहा हूँ प्रॉपरली आजकल, तो वही चीज़ है बस। एक बार हो भाई, ये कहाँ ले जा रहे हैं मेरी कॉर्वेट को? भाई ये तो बहुत गलत जगह जा रहे हैं हम लोग, ये इधर के लिए बनी नहीं है भाई ये गाड़ी। इतने में तो खचड़ा निकल जाता कॉर्वेट का, हल्द्वानी में ना चल पाए कॉर्वेट भाई, ये यहाँ झाड़ियों में चलवा रहे देख रहे हो। बट ठीक है, कोई बात नहीं, मैं वही चीज़ बता रहा हूँ तुम लोगों से, अब भी है भाई बहुत ज़्यादा महंगी गाड़ी है भाई, GTR इज़ लाइक नेक्स्ट लेवल महंगी। तो कोई बात नहीं भाई, रियल लाइफ में ना खरीद पाए, बट हम लोगों ने एटलीस्ट गेम में तो खरीद ली, मतलब मैं कोशिश हमेशा करूँगा, बट देखते हैं भाई। तुम लोग बताना कॉमेंट सेक्शन, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा भाई कभी ले पाएगा क्या कहते हैं GTR? अगर तुम लोगों को लगता है तो मुझे बताना, ठीक है? लाइक सपना तो है भाई का, देखते हैं कभी ले पाए नहीं ले पाए। बट यस, अभी हम लोगों को जाके उठानी है अपनी कॉर्वेट, बोलो अपनी GTR को अभी जाके लेके आना है, क्योंकि सीधी सी बात है वहाँ पर सारा का सारा काम हो चुका है। ये देखो भाई, तुम एक बार ये हरकत देख लो, सारी ड्रिफ्टिंग तो यही निकाल देता हूँ मैं। चलो मतलब ये धीरे धीरे करके सीख रहे होगा, धीरे धीरे करके आएगा। अभी वही चीज़ है ना, शोल्डर पेन की वजह से ज़्यादा मैं तेज तेज घुमा नहीं सकता व्हील को, बेसिकली ऐसी चीज़ है। बट ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके हो जाएगा सारा काम। चलो चलते हैं। आई होप उनने हमारी GTR अभी तक का रेडी कर दी, क्योंकि हम लोग को उसमें बहुत सारी नई चीज़। अरे भाई साहब, ये बंदा है भाई ड्रिफ्ट करते हुए, तो भाई बहुत कूल कूल बंदे भी मिलते हैं यार कहीं कहीं। चलो हम लोग आ चुके हैं गाइज, लेकिन ये कौन सी जगह है? डोंट टेल मी हम लोगों को लिटरली GTR वापस लेनी पड़ेगी रेस करके। This is the Horizon Super 7. Complete 7 challenge cards created by other Horizon drivers to earn big rewards. You ready? हम लोगों को मिशन करना पड़ेगा अपनी गाड़ी वापस लेने के लिए। अबे यार भाई, चलो कोई बात नहीं, चलते हैं। हम लोगों को कोई तो गाड़ी चलानी जिसका नाम मेरे को बिल्कुल नहीं पता। मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े हैं पहले से कि लाइक लोग बोलते हैं ये वाली गाड़ी, ये बेसिकली डैमेज कंट्रोल। हम लोगों को गाड़ी बिना कोनिक्सेक जेस्को भाई मेरे को बताना प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसको सही से कैसे बोलते हैं, क्योंकि ये गाड़ी मैंने देखी है पहले बहुत सारे लोगों पे, लाइक रील्स वील्स में देखी हुई है, बट ऐसे नाम नहीं लेते हुए देखा तो। व्हाट इज दिस कार ब्रो, पूरे क्या रॉकेट है क्या? भाई ठोकनी नहीं है ये गाड़ी, और जाना भी है। अरे रिवर्स ले रहा था यार, लो ठोक दी भाई, क्लीन रन क्या होता है, वो डैमेज लग गया वहाँ। अरे भाई साहब, ये तो कंट्रोल ही नहीं हो रही है मेरे से भाई, ये रॉकेट है क्या भाई? आई एम नॉट इवन गोना लाई, ये उड़ने के लिए तैयार है भाई। ओ नो नो भाई, बहुत देख के चलानी पड़ेगी भाई, ये लिटरली उड़ने के लिए तैयार है, ये मेरे कंट्रोल के बाहर है ये गाड़ी भाई। अरे रे 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 भाई, मैं तो गियर भी नहीं लगा पा रहा ढंग से भाई इसकी वजह से। भाई 350 भाग रहे पाछे,
ये रेस मुझे गारंटीड रीस्टार्ट करनी पड़ेगी गाइस, मेरे को अपनी GTR वापस चाहिए, बट ये क्या बदतमीजी है। आए हाय हाय, हो गया डैमेज तो पूरा हो गया। मेरे ख्याल से मेरे को इसको डैमेज ही कर देना चाहिए, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतनी फास्ट कार चलाऊंगा भाई। भाई नहीं नहीं, रीट्राई करेंगे गाइस, फिर से ट्राई करेंगे, बिना इसको स्क्रैच करे हमें लेके जाना उधर, ठीक है। लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। भाई ये रॉकेट है गाड़ी, भाई भाई 5वें गियर पे 350 लगा रही है गाड़ी। भाई गो फॉर अ क्लीन ड्राइव, मैं इसको 250 जाते ही नहीं चलाने वाला, क्योंकि मेरे को अपनी जान भी प्यारी है और ये गाड़ी भी। इज्जत से चलाओ भाई इसको, ये रॉकेट है। मैंने थोड़ी देर के लिए एक बार पंजाब पूरा दाबा, ठीक है, और ये गाड़ी उड़ गई भाई। अरे तीसरा भाई, पांचवा कहां लग रहा है भाई। लेकिन कंट्रोल इस गाड़ी का बहुत ज्यादा अच्छा है, ऐसा नहीं हो रहा है कि ये गाड़ी ड्रिफ्ट मारने के लिए तैयार हो रही है, ढंग से चल रही है, पर ढंग से चलाने वाला भी चाहिए। भाई ये क्या स्मूथ है भाई, 290 ऐसे कर रही है समझ। ये देखो अभी हो गया था, मैंने फिर से वो ध्यान नहीं रहा ना, तो थोड़ा पंजा दबा दिया, बस आराम से, ठीक है भाई, ध्यान से, इज्जत से भाई, इसको बिना ठोकले चलिए भाई। कोई बात नहीं, गाड़ी पूरी गड्ढे में डाल दी मैंने, दोबारा करते, कोई बात, इस बार हो जाएगा, इज्जत से चलाएंगे, ढंग से चलाएंगे। एंड में मैंने थोड़ा सा ज्यादा समझ रहा हूँ, थोड़ा सा भावुक हो गया मैं, मैंने पूरा पंजा दबा दिया, जो कि इस गाड़ी के साथ नहीं करना है भाई। गलती से भी पूरा पंजा नहीं दबना चाहिए भाई इस गाड़ी में, मजाक नहीं करूंगा भाई, ये बहुत ज्यादा टफ टू राइड गाड़ी है। मैंने शायद से पीछे, अबे यार मैंने पीछे मिस कर दिया वो। भाई इस बार तो मैंने टाइम वेस्ट कर दिया थोड़ा सा भाई, लेकिन ये क्या गाड़ी है भाई, मैं मजाक नहीं करूंगा भाई, मैं तो फैन हो गया इस गाड़ी का, मुझे गारंटीड पता है बहुत महंगी गाड़ी है भाई, मुझे गारंटीड पता है बहुत महंगी गाड़ी है। बट इसका कंट्रोल, इसकी स्पीड भाई, मैं लिटरली बहुत लाइट दबा रहा हूँ, बहुत लाइट, और ये ऐसे उड़ने को तैयार हो रही है ना गाड़ी भाई। इसको बहुत ढंग से और बहुत रिस्पेक्टफुली चलाना पड़ेगा मेरे को लग रहा है भाई। भाई लेकिन क्या गाड़ी है भाई, ये देखो, अगर मैं पंजाब पूरा दबा दूं 5वें गियर पे 350, भाई मुझे खुला हाईवे दे दो, मुझे ये गाड़ी लिटरली ट्रस्ट कर ट्रैक करनी है भाई, मेरे को इसको ट्रैक टेस्ट करना है भाई। ओ क्या गाड़ी है भाई, इस डिगर ढंग से सॉरी, ओ भाई अब तो दे दो मेरे को वापस मेरी गाड़ी भाई, लेट्स गो गाइस। हम लोग आ चुके अपने GTR के अंदर भाई, इन लोगों ने लिटरली हम लोगों से भाई क्या रेसे वैसे करवा दी ना। रुको जरा एक मिनट, यहाँ से बाहर निकलते पहले, क्योंकि इस जगह पे तो GTR बिल्कुल चलाने लायक नहीं है भाई। बट वो क्योजनी है जो भी गाड़ी थी, मेरे को उसका प्रॉपरली नाम लेना नहीं आ रहा है, रियली सॉरी भाई, लेकिन वो क्या गाड़ी थी भाई, मैं मजाक नहीं करूँगा भाई, वो क्या कंट्रोल एंड ऑल में क्या गाड़ी थी भाई, मजा ही आ गया। अब हम लोगों को गैराज चलना पड़ेगा और जाके अपनी GTR, सीधी सी बात है भाई, इसको पूरा का पूरा वो करना है। गाइज हम लोग अपनी गाड़ी वापस लेके आ चुके हैं, सीजन चेंज हो रहा है 5 मिनट में, ओके, वेट सीजन अप्रोचेस, कोई बात नहीं, सीजन चेंज होने वाला है, बारिश शायद से स्टार्ट होने वाली है, मजा ही आएगा भाई। हम लोगों को जाना पड़ेगा गैराज में, आई थिंक गैराज कहाँ पर था हम लोगों का, ये है राइट हमारा घर कासल ब्लांका। चलो फटाफट से अपने गैराज में चलते हैं, जाके अपनी गाड़ी को भाई आज हम लोगों को एकदम सर सेफ ही होगा, मतलब नहीं भाई, मैंने तुम लोगों को दिखाने के लिए इतने पास पकड़ लगा ना व्हील मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। चलो हम लोगों को जल्दी से जाना है अपने घर जाके हम लोग इसको फिर प्रॉपरली मॉडिफाई करवा पाएंगे। यार यहाँ के देखो टेक्सचर, रोड के टेक्सचर ही लोड नहीं हो रहे, व्हाट, बहुत अजीब सी चीज़ है, बट ठीक है, फटाफट से चलते हैं सीधे घर अब और जाके करते हैं भाई, इसको बनाएंगे हम लोग बेस्ट GTR। बेसिकली सीन क्या है ना, इसको बेस्ट GTR इन द सेंस, मेरे कहने का मतलब ये है, मैंने ऑफ स्ट्रीम बहुत ज़्यादा, लाइक ऑफ रिकॉर्ड मैंने बहुत ज़्यादा वो करा है, ग्राइंड करा है, जस्ट सो दैट यू नो, लेवल 17 हो गया अपना, नाइस रे। चलो मैंने ऑफ स्ट्रीम बहुत सारा ग्राइंड करा और उसके बाद मैंने बहुत सारे पैसे भी जमा करे हुए, रेडी रहो। मैंने लाइक थोड़ी सी एक दो चीज़ें और करी जो मैं तुम लोगों को भी दिखाऊंगा इसको लाइक मॉडिफाई कराने से पहले, ठीक है
अरे है तो, अरे चिंता मत करो यार, मॉडिफाई कराया हुआ है। पहुंच गए गाइस, घर पहुंच गए। जी जी चलो, डाउन शिफ्ट करके चलो अपने घर को। देयर वी गो गाइस, हम घर आ चुके हैं। रुको रुको रुको, एंटर हाउस, लेट्स गो। अब हम लोगों को इसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कार बनाना है, तुम समझ रहे हो, बेस्ट ऑफ द बेस्ट भाई। चलो अपनी GTR आ चुकी है अंदर, अब हम लोग इसको मॉडिफाई कराना शुरू करते हैं, ठीक है। लेट्स सी, हम लोगों को सबसे पहले देखो जो अपनी GTR है ना, पहले GTR को सिलेक्ट करना पड़ेगा। देयर वी गो, ठीक है, एक्चुअली सिलेक्टेड आई गेस, राइट। हाँ, तो सबसे पहले तो देखो हम लोग इसको अपग्रेड एंड ट्यून करेंगे, ठीक है। एंटी लैग टर्बो चार्जर्स कैन नाउ बी फिटेड टू, ये तो है नहीं टर्बोचार्ज व्हीकल एक्चुअली, ठीक है। देखो हम लोग ऑटो अपग्रेड कर सकते हैं, इसमें कोई बॉडी किट नहीं है, सैड लाइफ यार, वरना बॉडी किट्स बहुत ज़्यादा कूल लगती हैं। बट ठीक है, हम लोग कस्टम अपग्रेड करने वाले हैं अपनी GTR को, अपने हिसाब से बनाएंगे, राइट। सबसे पहले हम लोग बेस्ट वाला इसमें क्या कहते हैं, इंजन का सारा इंटेक, मतलब ओवरऑल हम लोग सारी चीज़ करेंगे। मैं मैकेनिक तो नहीं हूँ वैसे, मेरे को पता नहीं है, बट ठीक है, हम लोग इंटेक फिल्टर देखेंगे। मैं क्या देखता हूँ बेसिकली कि हैंडलिंग थोड़ी ठीक होनी चाहिए और स्पीड एक्सेलरेशन वो सब ठीक होना चाहिए, तो वही चीज़ें हम लोग देखेंगे। मेरे हिसाब से ये सबसे कूल चीज़ है। बट पैसे देख रहे हो भाई, 1800 क्रेडिट्स मेरे पास पड़े हुए, 2.5 लाख, तुम समझ रहे हो, 2.5 लाख रुपए भाई। मैंने ये बहुत सारी रेसेस कर करके लाए भाई, हैंडलिंग ख़राब होते जा रही है विद एवरीथिंग। बट देखो ना, लॉन्च और एक्सेलरेशन ठीक हो रहा है, हैंडलिंग इन दी एंड हम लोग करेंगे सही करेंगे। रुको मैं बताता हूँ कैसे सही करेंगे, ठीक है। लॉन्च और बेटर हो जाएगा, बट ऑफ रोडिंग स्किल्स खराब जाएंगे, कोई बात नहीं, चलेगा मेरे को अभी के लिए। एग्जॉस्ट में हम लोग भाई साहब देख रहे हो, इनलाइन 4 प्रॉपर कैसे दिख रहा है उधर, आई गेस, मतलब पता नहीं वैसे मेरे को, शायद से इसमें तो वो पड़ा ना V8 है शायद से, या V12 है, मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में कि निसान GTR 2017 में कौन सा था। देयर वी गो, हैंडलिंग और ख़राब हो जाएगी, हे भगवान, कोई बात नहीं, लॉन्च और ब्रेकिंग अच्छी हो जाएगी इससे। लेट्स सी और हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। लाइक मैं तो, मेरे को बेसिकली पता नहीं है कि कौन सा पार्ट क्या करता है, बस मैं वो देख रहा हूँ कि नीचे जो तुम लोग देख रहे हो बॉटम लेफ्ट में दिखता है कि तुम लोग क्या बेटर कर रहे हो, क्या ख़राब कर रहे हो उसको लगाने के बाद, तो वो चीज़ सही है मेरे हिसाब से। ये चीज़ इन्हें दी है क्योंकि हर कोई तो नहीं होता ना, कि नॉलेज नहीं होती ना हर किसी को ऐसे गार की प्रॉब्लम प्रॉपर, तो वो चीज़ है। लेट्स सी, लॉन्च अच्छा हो जाएगा इस वाली को लगा के, परफेक्ट हो जाएगा एक्चुअली लॉन्च। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट देखते हैं गाड़ी का, भाई साहब लॉन्च 10, लेकिन स्पीड देख रहे हो, मैं ये बार लगाता हूँ, मेरे को हैंडलिंग ज़्यादा ख़राब नहीं करनी है, हैंडलिंग पे भी हम लोगों को काम करना पड़ेगा आगे जाके, गारंटीड भाई। ऑफ रोड और ख़राब हो जाएगा, मेरे को चलेगा भाई। सस्पेंशन भी देखने पड़ेंगे, लेट्स सी, ट्विन टर्बो, अरे भाई साहब सभी ख़राब हो रहा है भाई, जो इंस्टॉल्ड है वही बेटर है क्या? ओके, ये तेज RPM में वो करेगी भाई, ये तेज RPM में चेंज करेगी फटफट, बट वही है कि स्पीड हो गया, हैंडलिंग हो गया, सभी कुछ एकदम ख़राब हो जाएगा भाई। गाइस इंजन का काम अपना हो चुका है एक तरह से, अब हम लोग परफॉर्मेंस और हैंडलिंग पे आते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग अपनी हैंडलिंग को थोड़ा सा बेटर कर सकते हैं, 30,000 रुपये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। अनलॉक्स ब्रेक ट्यूनिंग, ओके ठीक है हम लोग, ओ भाई साहब रेड कैलिपर अच्छे लग रहे वैसे गाड़ी पे, नहीं देखो हैंडलिंग अब बेटर हो जाएगी, ठीक है इसकी वजह से। लेट्स सी, ठीक है, स्प्रिंग एंड डैम्पर्स का देखते हैं। देखो ओ भाई साहब गाड़ी बहुत लो हो गई यार, इसको ये तो ऑफ रोडिंग किल ही कर देगी बिल्कुल, ये देखो ना ऑफ रोडिंग एकदम डेड हो जा रही है इसकी वजह से, बट ठीक है कोई बात नहीं, इससे हम लोग उठा सकते हैं, इससे ऑफ रोड अच्छी हो जाएगी, बट मेरे को ऑफ रोड अच्छी नहीं करनी, मेरे को बेसिकली गाड़ी को ट्रैक वाइज बेटर करना है, राइट। मैं इससे कौन सा ऑफ रोड रोडों पर इसको दौड़ाने ले जा रहा हूँ, है ना, इसकी हम लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और देखते हैं हम लोग रियर एंटर बार्स, एक तो यार मेरे को यार थोड़ा बहुत कार्स के बारे में सीखना पड़ेगा फिर इस वजह से। ओह नाइस, इससे तो सभी कुछ बेटर हो रहा है, चलो बढ़िया है। ये है क्या चीज़, बट चैसी रीइंफोर्समेंट, ओके ठीक है, रोल के जब बेसिकली गाड़ी रोल हो गई तो तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, गाड़ी रोल मत कराना भाई। लेट सी, ठीक है, व्हील चेंज हो रहे हैं, व्हील बेस ये सब चीज़ें, गाइस अब आ जाते हैं व्हील पे। देखो मेरे को ये गाड़ी ड्रिफ्टिंग के लिए, नीचे अपने पास सुपरा पड़ी है और अपने पास ऐसी बहुत सारी कार्स पड़ी हैं जो हम लोग प्रॉपर ड्रिफ्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो मुझे बेसिकली ऐसी गाड़ी चाहिए जो मेरे को ट्रैक पे एकदम चिपक के चले रोड से, मेरे को ऐसी गाड़ी चाहिए, ठीक है। तो लेट्स सी, हम लोग सबसे पहले जाते हैं ग्रिप पे गाड़ी के, टायर कंपाउंड पे, एक्चुअली टायर कंपाउंड से मुझे जहाँ पर सबसे ज़्यादा हैंडलिंग अच्छी मिल जाए, ठीक है, मेरे को वो चाहिए बेसिकली। तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट है, है ना। अभी अपनी हैंडलिंग कितनी है, अभी अपनी हैंडलिंग 6.2 है, इससे ये हैंडलिंग 6.6 हो जा रही है और उसके बाद सभी कुछ बढ़ जा रहा है, तो मैं इसको लगाने वाला हूँ भाई। मेरे को पता है बहुत डिटेल में बना रहा हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों को भी देखने को मिले एक एक चीज़, ऐसा ना हो कि तुम्हें लगे कि मैं कोई चीज़ हटा रहा हूँ कोई चीज़ लगा रहा हूँ तो तुम्हें पता ही नहीं है भाई। मैं चाहता हूँ ये गाड़ी तुम्हारा भी पार्ट बने, ठीक है, तो इसको हम लोग प्रॉपर पूरा तुम्हें दिखाते हुए कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जिसको नहीं देखना है वो स्किप कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेट्स सी, हम लोग देखते हैं स्पोर्ट रिम स्टाइल, मतलब ओ भाई
गाड़ी का वैसे कलर चेंज करने वाला हूँ बाय द वे, अभी अभी मैं इसको पूरा चेंज करूंगा, तो ये बहुत कूल लग रहे भाई रिम एक्चुअली, है ना। अबे यार ये क्या भाई, हर बार जहाँ पर भी जाओ कुछ अलग ही क्लियर कूल रिम दिख जाते हैं। बट ठीक है, मेरे को यही वाले अच्छे लग रहे हैं, ब्लैक वाले भी हैं और प्रॉपर भी हैं। निसान के भी लगा सकते हैं हम लोग दोबारा से, बट ठीक है कोई बात नहीं। अब देखते हैं हम लोग रिम साइज, ठीक है, फ्रंट रिम का साइज बढ़ाना, बट हैंडलिंग अच्छी हो जानी चाहिए इससे। बट 21 21 इन फ्रंट और बैक में 21 इन बैक, ओके। नहीं मेरे ख्याल से वैसे हमें इसको बॉबर बनाना चाहिए, नहीं छोड़ो, हम लोग पीछे वाले बड़े कर देते हैं, आगे वाले छोटे कर देते हैं, थोड़ा कूल लगेगा। बात आ जाती है गाइस आप सबसे मेन चीज़ जो कि तुम समझ रहे हो ना, एरोडायनेमिक बनाएगी यार गाड़ी को, ये मत सोचना कि उससे खाली गाड़ी कूल लगती है और ऐसा वैसा, नहीं नहीं, लेट्स गो। ओ भाई साहब ये देख रहे हो, एरो विंग नीचे जो आ रखा है और साइड से जो छोटा सा विंग जैसा आ गया भाई, कितना कूल लग रहा है। अब आ जाते हैं मेन स्पॉइलर पे गाइस, देखो जो अपना रियर विंग है ना उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, तुम्हें पता नहीं होगा शायद से, मे बी, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जितना ज़्यादा बड़ा हो सके उतना ज़्यादा बड़ा, ताकि दूर से देख के लोगों को पता चले अरे हाँ यार अंशु भाई की गाड़ी आ रही है, ठीक है। ओ भाई इंटायर इंजन नहीं, एक्चुअली ख़राब जा रहा है भाई, रियर व्हील ड्राइव बन जाएगी, अभी ये ऑल व्हील ड्राइव है बेसिकली, फिर रियर व्हील ड्राइव बन जाएगी, थोड़ा सा मेरे ख्याल से ड्रिफ्टिंग में काम आ जाएगा, बट इंस्टॉल सेटअप यस सर भाई। ओ 75,000 रुपये, 75,000 रुपये लग गए हमको इसको अपग्रेड करने में भाई, ओके। बट आई थिंक गाड़ी अब ज़्यादा प्यारी लगेगी टू बी ऑनेस्ट, लाइक दिखने की, लेट्स सी। कार मास्टरी में अपने पास कुछ पॉइंट्स हैं, अपने पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं एक्चुअली, लेट्स सी। हम लोग एक्सपी यस ये ले लेते हैं भाई, हम लोग को जितना ज़्यादा एक्सपी मिल जाए कोई इशू नहीं है, और उसके बाद देखते हैं कार ट्रिपल पास कॉम्बो एक्स्ट्रा 25% टू द नेक्स्ट रोड रेस इवेंट्स, बिल्कुल भाई ले लेंगे क्यों नहीं। एक्सपी स्किल से ज़्यादा मिलेगा, स्किल चेन कोलाइजन ये तो 25 भाई, भाई साहब हम लोगों को और गाड़ी चलानी पड़ेगी बेसिकली अपनी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग डिज़ाइन एंड पेंट में, हमारी गाड़ी दिखने की भी तो सबसे बढ़िया लगनी चाहिए राइट, तो हम लोग सबसे पहले इसको पेंट करते हैं, लेट्स सी लोगों का क्या कहते हैं उसे, हम लोगों को पेंट इसका चेंज करना राइट। वो ऐसे भी बढ़िया लगती है यार, जो भी बोलो नहीं, ये क्या कहते हैं तुम्हारा, मेरे को क्या करना है पता है, मेरे को ना खुद से नहीं करना है, मेरे को पेंट बॉडी करना है ना। ओ भाई ब्लैक में तो क्या किलर लग रही है भाई ये, व्हाट द हेक भाई, GTR ऑल ब्लैक क्या क्रेजी लग रही है। अब सोचो ऑल ब्लैक और इसका हुड हम लोग अलग कलर का कर दें, रेड तो नहीं भाई, जो भी बोलो ब्लू भी नहीं, ब्लू भी ऑकवर्ड सा लग रहा है, एक बार ये करके देखें क्या दूर से कैसी लगी गाड़ी, बेकार लग रही है बहुत ज़्यादा, अच्छी हट। चलो एक काम करते हैं, सेव टू करेंट कार, गाइस हम लोग एक काम करते हैं ना, इसको हम लोग लोगों के डिज़ाइन देखते हैं, ठीक है, कि लोगों ने जो इसके लिए गाड़ी के लिए GTR के लिए डिज़ाइन बनाए हुए, उन डिज़ाइन में से कुछ अगर हमें अच्छा लग गया तो क्यों नहीं यार भाई, बिल्कुल हम लोग वही डिज़ाइन ले लेंगे, क्योंकि भाई सीधी सी बात है लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करके प्रॉपर डिकेल डाल के सब कुछ बनाए होंगे। भाई मेरे को देखो ब्लैक चाहिए, ठीक है, और ये गाड़ी एक्चुअल में दिखने की बहुत ज़्यादा कूल लग रही है, एक बार देखते हैं इसको, ओके। सेविंग टू माई डिज़ाइन एंड अप्लाइंग टू कार्स, भाई दिखाओ तो सही एक बार, थोड़ा सा वो है एनिमे व्यूअर्स में, बट ओ भाई अरे गाड़ी तो दिखा देते, चलो कोई बात नहीं, अब बाहर ही देख ली, वाह 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 भाई ये ठीक है, ठीक है गाइज आई एम सॉरी, बट ये क्या हुआ, लोडिंग समर, ओ ओके ओके भाई, हम लोग लिटरली जब रिकॉर्ड करने बैठे तभी इन लोगों ने सीजन चेंज करा है भाई, समर का वेट सीजन स्टार्ट हो चुका है, अब कभी भी बारिश हो सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है भाई। Hey Ninja, question, do your windscreen wipers work? Excellent. Horizon seasonals are now live on the festival playlist. Okay. Seasonal fights start हो जाएंगे अब basically, मतलब वही है कि जब तक वो चल रहा है रिवर चल रहा है तब तक ही चलेगी। Let's see एक बार अपनी गाड़ी को देखते हैं। भाई दिखने की तो मस्त लग रही है GTR, जो भी बोलो भाई, ऐसा कार्टसुकी वाला फील नहीं आ रहा थोड़ा सा गाड़ी से, मतलब ऐसा प्रॉपर भी नहीं, बट ये थोड़ा बहुत देख के क्लाउड्स लाउड जैसे करके ऐसा लग रहा है कार्टसुकी की गाड़ी है। आई थिंक वी कैन रोल विद दिस फॉर सम टाइम, या फिर पता नहीं यार पीछे से अच्छी नहीं लग रही है बस गाड़ी यार, इसको मैं चेंज करूँगा, लेट्स चेंज द क्या कहते हैं कार का कलर, हम लोगों को बस कुछ नहीं करना है, हम लोगों को थोड़ा सा रिवर्स जाना पड़ेगा, घर पीछे ही अपना, आप इस घर के अंदर जाते हैं भाई, ये कलर हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा, मेरे को लगा था वो पहले दिखाएंगे फिर हम देखेंगे, दिखने का बहुत ज़्यादा कूल लग रहा है बट थोड़ा सा पीछे से ना मज़ा नहीं आ रहा है यार भाई, अब मैं अपनी GTR ऐसी नहीं चाहूँगा कि ऐसी बने, ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगा, लेट्स सी हम लोग एक बार देखते हैं, कोई भी अगर हम लोगों को दूसरा अच्छा लगता है, मेरा मन तो यार ब्लैक में ही है, देखो सच्ची बताओ ना, थोड़ी सी ब्लैक कलर की गाड़ियों ना मज़ा आता है भाई, मेरा तो फेवरेट कलर ब्लैक ही है गाड़ियों में, मजाक भी नहीं करूँगा भाई, बट
आई डोंट थिंक सो कि ब्लैक में ऐसा कुछ क्रेजी है इधर, है ना? सैडली मुझे तो नहीं दिख रहा है भाई। तो गाइज यहाँ पर ब्लैक कलर का कोई भी नहीं है, तो मैं अभी के लिए गाड़ी को पूरा ब्लैक पेंट करने वाला हूँ, ठीक है? अभी के लिए हम लोग थोड़ा बहुत ब्लैक पेंट कर देते हैं और छोटी छोटी चीज़ें इधर उधर कर देंगे, उसमें दिक्कत नहीं है। बट टू बी ऑनेस्ट लाइक वो वाला थोड़ा सा अच्छा ही लग रहा था, ठीक है, इसलिए मैंने वो चीज़ करी। रिम्स पे बात आ जाती तो रिम्स मेरे को भाई सीधी सी बात है ब्लैक ही पसंद है, तो रिम के कलर को हम लोग अच्छा ओके अंदर के कैलिपर चेंज हो रहा है क्या? नहीं नहीं रिम ही चेंज हो रहा है प्रॉपर, तो हम लोग रिम को ना थोड़ा सा रेडिश रखेंगे, थोड़ा सा स्पोर्टी लुक आता है, ठीक है? और जो अंदर ब्रेक्स भी है ना, रुको रुको रुको, अंदर जो ब्रेक्स है ना, ब्रेक कैलिपर हैं, ब्रेक कैलिपर को भी थोड़ा रेडिश करेंगे, पता नहीं क्यों मेरे को बड़ा कूल लगता है यार। या फिर ब्रेक कैलिपर को हम लोग ऑरेंज भी कर सकते हैं, थोड़ा सा ऑरेंजेस फील आएगा, नहीं एक गंदा लग रहा है। अच्छी ठीक है, रेडी रखते हैं, ठीक है, देयर वी गो। ओ गाड़ी पे भाई ये तो इलीगल था ना, लेकिन चलो कोई नहीं। जेट ब्लैक गाइस, अपनी गाड़ी तैयार होके आ चुकी है, ठीक है? अभी मैंने इसको पूरा ब्लैक कर दिया है, बट इसके रिम्स जो है वो प्रॉपर रेड है। We're ready to expand. What are you thinking this time? ओ हम लोग रेडी हैं एक्सपेंड के लिए भाई, मेरे को स्ट्रीट सीन बढ़ाना है आगे को, लेकिन एक्चुअली हम लोगों ने इसमें बढ़ाया नहीं है, रश कर सकते हैं। ओके मैं इससे तो स्टंट नहीं करने वाला, ठीक है, ये लगा देता हूँ मैं वीकली स्टिकर यहाँ पे बस, ठीक है? हम लोग को बेसिकली सारे स्टिकर्स लगाने और बहुत सारे एलोकेट लेके, बट अरे मुझे भी बोलने दो ना एक बार यार। देखो गाइस क्या मस्त लग रही है ना गाड़ी भाई, प्रॉपर ऐसा सब कुछ एकदम रिम्स रिम्स को देख के अभी के लिए मस्त लग रही है। लेट्स सी हम लोग अभी के लिए चलते हैं भाई, हम लोगों को इन लोगों ने कहीं तो बोला है, बट मेरे को अपनी गाड़ी को एक्चुअली टेस्ट करना है ऑन अ रेस, ठीक है? मेरे को एक प्रॉपर रेस में जाके भाई मुझे ना थोड़ा सा दूर बैठना पड़ेगा, मेरे को लिटरली अपने हाथों का ऐसे मोड़ना पड़ रहा है ना पूरी उसके लिए। लेट्स सी, ठीक है गाइस, ओ भाई ये कब इंस्टॉल कर दिया मैंने, ओहो भाई गाइस मेरी एग्जॉस्ट लिटरली भाई शॉट्स फायर्ड वाले हो रहे हैं। ओ भाई ओ भाई साहब कितना ज्यादा कूल लग रहा है, देख रहे हो तुम लोग? भाई मेरे को सच्ची में अपनी GTR का अब टेस्ट करना है भाई, और एक बार देखो रेड लाइन कब हो रही है। अब रेड लाइन भाई 7,500 से भी ज्यादा RPM के बाद रेड लाइन जा रही है भाई, चौथे गियर में 350 मार रही है GTR, सॉरी फॉर द थूक बट लिटरली ब्रो 350 चौथे गियर में जा रही थी ये। अबे चौथे के बाद गियर ही नहीं है क्या इसमें अब? ओ मैंने सस्पेंस ओके ठीक है, इसमें बेसिकली चार ही गियर है अब है, बट भाई ये 375 जा रही है भाई, 375 किलोमीटर पर आवर भाई, यही हाईवे तो चाहिए था मेरे को। ओ गॉड डैम भाई 375 लॉक कर रही है ये, व्हाट द हेक, अल्टीमेट स्पीड प्लस 1000 हो रहा है भाई, ऊपर देख रहे हो कैसे वो बढ़ रहा है हमारा एक्सपीरियंस भाई, हमारी GTR 365 प्लस जा रही है 75 भाई, मैं सच्ची में मैं अमेज्ड हूँ भाई, ये क्या कर रहे हैं हम लोग? ओ भाई थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल भी हो रही है, लेट्स सी भाई ये पॉप सुनो भाई तुम लोग, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड भाई भाई अपने GTR भाई एकदम नेक्स्ट लेवल बन गई है भाई, मैं तुम्हें समझा नहीं सकता भाई, ओ माय गॉड ये कुछ अलग है भाई, ये कुछ अलग है भाई, ये कुछ अलग है भाई, और भाई कंट्रोल भी अच्छी हो रही है गाड़ी, लिटरली हैंडलिंग अच्छी हो गई है इसकी,
देखो ना फालतू के ड्रिफ्ट्स नहीं पड़ रहे जब तक मैं नहीं चाहता हूँ। ब्रेकिंग देखो भाई ऐसे लग रहे ब्रेक भाई बिल्कुल एकदम मक्खन, जहां खड़ी करो गाड़ी वहीं खड़ी हो जा रही है भाई। ओह माय गॉड यार गाइस मेरे को सच्ची में इसको रेस टेस्ट करना है। अब ये हम लोगों ने कुछ अलग ही बना दिया भाई, अपनी GTR नेक्स्ट लेवल बन चुकी है भाई। ओ हम लोग पहुंच गए थे भाई, बट क्या दिखने की लग रही है और क्या काम कर रही है। देखो यार एक और बार भाई ये सेक्सी नहीं बताओ। ओ माय गॉड भाई क्या बना दी हमने अपनी ये गाड़ी। सोलो जाने वाले हम इस रेस के लिए, ठीक है लेट्स सी क्या होता है भाई। अच्छा उन्होंने हमारी गाड़ी हमें वापस कर दी, बट लेट्स सी अब हम लोगों को टेस्ट करना है भाई। हम लोगों को पोर्श करारा की थी इन लोगों ने। अरे यार ये कोई मिशन टाइप है भाई। अरे मुझे अपनी GTR यूज करनी थी रेस के लिए भाई, हटाओ इसको यार। स्क्वाड गोल्स व्हाट ये सुप्रा कहां से आई भाई, ये कौन सी रेस है। भाई ये कौन सी रेस में लिया है हम लोगों को। So what happens at a full moon party? People celebrate the glory of the moon, of course. और ग्लोरी तो सेलिब्रेट करते हैं भाई, मुझे मेरी GTR चलानी थी यार। Hola chicos y chicas, the moon shows us her most beautiful face and Radio Eterna is flying into Playa Azul for the fiesta de la... Oh bhai, ढंग से चला भाई, फिसल रही गाड़ी। भाई कितनी ठोक ठाक के लेके आया हूँ यहाँ तक मैं इसको भाई। ओ भाई कितना कूल लग रहा है। Explore the party, my friend. Have fun. By explore the party, me. But the other half came just to see you. Hola, everyone. You bring the full moon. I'll bring the big star. भाई मुझे मेरी GTR से बस एक रेस करनी थी, ना कि ये खच्चड़ गाड़ी चलानी थी भाई। हैशटैग आफ्टर पार्टी। अरे आफ्टर पार्टी, अरे ये क्या है भाई, ये रोडों में अभी रोडों में दौड़ा हूं मैं। अरे Let's push this float to its limits. I've gone and set up some PR stunts. Let's see what this float can do. 200 भाग रही है ये फ्लोट। भाई ये मेरे हाथ पैर तुड़वाएगा ये बंदा। ये बंदा मेरा हाथ तुड़वाएगा भाई, ये हाथ पैर तुड़वाएगा, मेरी GTR चला नहीं पाऊंगा मैं। ये पागल है भाई बंदा ये खुद तो करेगा नहीं कुछ काम, दूसरे को करने। ये देखो फुल मून पार्टी कपड़े, देखो इसके लेजेंडरी कपड़े। मुर्गा बन के घूमू मैं, लेजेंडरी कपड़े मुर्गा बन के घूमता हूँ मैं इसके। लेट्स गो होराइजन रश भाई, यही तो चाहिए था मेरे को भाई। अब होगी ना प्रॉपर रेस भाई। ये पोर्श परेरा दे रहे हो तब तो मैं एक बार के लिए मान लूं कि ठीक है, चलो एक बार के लिए तुम्हें माफ कर दिया वाली चीज। मुझे नहीं करने एक भी PR स्टंट्स आपके सर, ठीक है मैं अपना काम करना चाह। भाई यार करने ही पड़ेंगे क्या, नहीं ना भाई। कितनी प्यारी लग रही है अपनी GTR, एक बार देखो भाई। ये पता नहीं क्या क्या चलवा रहे हैं हमसे भाई, देखो एक बार इस गाड़ी को बताओ यार। गाइस अब हम लोग मजाक से हट के सीधे जा रहे हैं क्या कहते हैं तुम्हारा उस पर रेस ट्रैक पे भाई। अभी तक मैं बोल रहा था ना कि हम लोग रेस ट्रैक पे जा रहे हैं, बट भाई अभी हम अपनी GTR लेके प्रॉपर रेस ट्रैक पे जा रहे हैं भाई। लेट्स सी गाइस, सोलो रेस करने वाले हम लोग। कैथेड्रल सर्किट है, ये थोड़ा सा मुश्किल होने वाला क्योंकि सर्किट पूरा ऐसे ऐसे है। अरे ये सब गाड़ियाँ नहीं चाहिए भाई, मुझे मेरी GTR दिलाओ बदतमीजी बाद में, ठीक है। ये सुपरा GTR कहाँ है भाई। गाइज हम लोग जा रहे हैं अपनी पहली रेस की तरफ को, जो कि हम लोग अपनी भाई मेरे को आदत है यार लेफ्ट में चलाने की, आई एम सॉरी भाई।
भाई एक बार देखो ना ये गाड़ी लिटरली क्या साउंड कर रही है भाई। ओ स्पीड शिट भाई नेक्स्ट लेवल यार, ये गाड़ी बहुत ज्यादा खतरनाक है भाई। चलो 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 भाई, हम लोगों को बहुत ज्यादा दूर जाना है। हाँ 1.5 किलोमीटर और है। खैर 1.5 किलोमीटर और हम लोग लिटरली 200-200 भगाते यार। यहाँ से सीधे नीचे डाल दूँ क्या? मेरा बड़ा मन करता है यार गेम्स में, गेम्स तुम कर सकते हो बट फिर जब तुम ढंग से ही चला रहे हो तो ढंग से चला लो ना थोड़ा। चलो हम लोग पहुँच चुके हैं सर्किट में। ओके हम लोग अपने पहले, भाई मैं तो प्रॉपर उसी में जा रहा हूँ सीधे, क्या कहते उसे रेस सर्किट में जा रहे हैं हम लोग सीधे। मैंने बोला था ना हम लोगों को चलानी सीखनी है, तो मतलब चलानी सीखनी नहीं, बेसिकली हम लोगों को रेस करनी है। पहली रेस हम लोग अपनी GTR के साथ जो करेंगे भाई वो होनी बहुत बढ़िया। चलो पहली रेस जो हम अपनी GTR के साथ करेंगे भाई वो क्रेजी होनी चाहिए राइट। लेट्स गो, सोलो करेंगे हम लोग एस्टादो सर्किट। एस्टादो सर्किट अपनी गाय GTR, देयर वी गो, लेट्स गो गाइस। क्या लग रही है देखो स्टैंड पे, आए हाय 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 हाय, वो रेड ऑन रेड, देखो रेड रिम के अंदर रेड, क्या कहते हैं उसे, ब्रेक कैलिपर कूल लग रहे हैं लग रहे भाई। मेरे को पहले और था कि अजीब लगेंगे बट बहुत ज़्यादा मस्त लग रहे सच्ची बताऊँ तो। लेट्स गो, मैं इस वाले के लिए शिफ्टर का यूज़ करने वाला हूँ, पैडल शिफ्टर का, थोड़ा सा यू नो वो होता है ना क्या कहते उसे, झटके से मैं चेंज नहीं कर पाऊँगा, मेरे को अपने ऊपर भरोसा नहीं है। मैं चाहता हूँ पहली रेस में अपनी गाड़ी ठोकूँ भी ना तो अच्छा लगेगा मेरे को। भाई यार अभी पेंट कराया, घिस दे गाड़ी तू। भाई आप अपनी लैम्बोर्गिनी हटाएंगे थोड़ी आगे से, लैम्बोर्गिनी है ना ये भाई, इसको तो हटाई दिया अच्छे से मैंने, जो कि अच्छी बात नहीं है बट। चल 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 चल, भगा 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 भगा, ये गाड़ी है कौन सी आगे, मैक्लारेन है क्या? और ये वही मैक्लारेन है क्या? चल 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 ब्रो चल, भगा 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 भाई, फर्स्ट पोजीशन ली है, तीनों लैप में रखनी है। सॉरी 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 नहीं यार, नहीं यार चेक पॉइंट से बाहर नहीं यार। गाइस ये मैं ज्यादा यूज नहीं करूंगा इसका, पक्का प्रॉमिस ठीक है। भाई क्या ड्रिफ्ट मारी भाई, मजा आ गया यार कसम से भाई। चलो 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 भाई, हमने अपनी फर्स्ट पोजीशन दे दी यार गलती से फिर से वो मैक्लारेन को, ढंग से चलाना पड़ेगा भाई। मैं मजाक नहीं करूंगा, बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि लाइक मैं गंदी चलाता हूँ ये सब, बट टू बी ऑनेस्ट विद यू, व्हील से चलाना और WSD चलाना बाय गॉड जमीन आसमान का फर्क है यार कसम से, पता है मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बहुत ज़्यादा फर्क है यार, बहुत ज़्यादा। लाइक व्हील से चलाना इज वेरी हार्ड, लेकिन जो फील आता है ना गाड़ी चलाने का भाई, वो लगता है कि हाँ तुम गाड़ी चला रहे हो। मैं मजाक भी नहीं करूंगा सच्ची में भाई। चलो भाई अब प्रॉपर POV में जाके चलाएंगे। चलो भाई जीतनी है ये वाली रेस कैसे भी। भाई यार POV में नहीं हो पाएगा गाइस, POV में नहीं हो पाएगा, POV में थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा है ठीक है, POV में नहीं चला रहा मैं। चल 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 ब्रो चल चल चल, बहुत दूर हो गई है, मैंने अच्छी खासी लीड ले ली है, अब मुझे हारना नहीं है बस इस रेस में ठीक है। लास्ट लैप है गाइस, ये लैप भी अगर हम फर्स्ट हो गए तो हम लोग अपनी पहली रेस में ही फर्स्ट आ जाएंगे GTR के साथ। प्लीज भाई मुझे चाहिए ऐसा भाई यार, मैं चेक पॉइंट मिस ना कर दूं यार, फिर यही मेरे को डर लगे रह रहा है पता है, एक चेक पॉइंट मिस होगा ना पूरा पीछे चले जाएंगे हम लोग, तो हम लोग को बहुत रिस्पॉन्सिबली चलाना पड़ेगा अभी। क्लीन रेसिंग अभी लगता है इन्हें पीछे का हाल देखे नहीं थे जो मैंने कैसे गाड़ियां ठोकते हुए पहुंचा हूं यहां तक। मैं ना थोड़ा सा स्लो चलाना भी अफोर्ड कर सकता हूं अभी, क्योंकि पीछे से गाड़ियां आ नहीं रही हैं अभी, तो मैं नहीं चाहता कि मैं गलती कर दूं कुछ ना जल्दीबाजी के चक्कर में। चलो चलो भाई वो गाड़ियां क्लोज इन कर रही हैं, लेट्स गो लेट्स गो। भाई एक साइड से तो गाड़ी घिस घिस के लेके आया हूं मैं बट लेट्स गो, वी फिनिश्ड फर्स्ट गाइस, हम लोग फर्स्ट आ गए। भाई मैं बोल रहा था ना हमारी GTR इज लाइक
नेक्स्ट लेवल भाई, अपनी जी टी आर जब ने बनाई है ना, लैम्बोर्गिनी गलाडो लेके आया था, एक मैक्लेरन 570S थी। यस, मुझे पता था कि ये मैक्लेरन है कोई ना कोई, तो गलाडो स्पाइडर भी आई हुई थी भाई, मजा आ गया भाई, मैं मजाक नहीं करूंगा, पहली रेस ही इतनी क्रेजी हुई है ना इसके साथ। कुछ नया है, बैटल रॉयल, कार का बैटल रॉयल ले लूंगा, साइन अप बाद में ले लूंगा, हाँ बाद में बैटल रॉयल, वो भी कार्स का भाई, अपनी गाड़ी की ऐसी की तैसी करवा दूं, मतलब मैं इन शॉर्ट भाई रुको जरा एक मिनट, ये एक्सपी वाला तोड़ देते हैं जरा गाड़ी से। अब वो यार आवाज कर रहा है बगल में, तो थोड़ा सा लेना तो बनता ही है ना हमारा। चलो बढ़िया हो गया भाई, हम लोग अपनी पहली रेस ही जीत गए। मुझे बस तुम लोगों को एक चीज़ और दिखानी थी, जो कि था माई होराइजन पे जाके हम लोगों को ना व्हील स्पिन मिले हुए थे बहुत सारे, तो ये व्हील स्पिन से हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं। और लास्ट टाइम मैंने देखा था भाई कि मैंने जब लोगों के सामने करे थे, मुझे अच्छी चीज़ें मिली थी, एसिड जीन्स भी। माजराटी प्लीज़ दे दे, प्लीज़ माजराटी आ जाए, प्लीज़ माजराटी आ जाए, माजराटी दे दे प्लीज़ प्लीज़। भाई 1.5 लाख रुपये दे रहा था, उसके बाद एकदम से 15,000 रुपये कर दिए भाई। यार प्लीज़ यार वो गाड़ी वापस ले आओ यार, माजराटी दे दो प्लीज़ भाई। ओ 50,000 नॉट बैड भाई। हेलो थ्री के यस पैनमेरा, पोर्शे थी ना वो, कौन सी गाड़ी थी, अरे क्या था ये भाई, भाई इसमें तो कोई गाड़ी नहीं है, इसमें बस पर्पल मैक्स है, वो भी पैसे आए गए 175। ओ मस्टैंग जीटी कूपे, पुरानी वाली मस्टैंग जीटी, 1965 की मस्टैंग जीटी हमें फ्री में मिल गई। लेट्स गो गाइस, भाई एक बार देखते हैं इस गाड़ी को भाई, मस्टैंग जीटी पुरानी वाली, ये रहा फोर्ड मस्टैंग जीटी, वो भी पुरानी वाली कूपे भाई, लेट्स गो भाई। भाई डोमिनिक टोरेटो आ चुका है गाइस इन द स्ट्रीट, लेट्स गो भाई। ये तो बहुत ही, ये ऐसी चलती है पक्का, अरे भाई ये तो रपट जाए भाई। अरे भाई डोमिनिक टोरेटो आ चुका है इन द हाउस बॉयज, डोमिनिक टोरेटो इन द हाउस गाइस। तो गाइज यार ये थी आज की वीडियो, होप आप लोगों को पसंद आई होगी, पसंद आई तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम लोगों को कैसा लगा। भाई मजाक नहीं करूंगा, जितनी बार भी मैंने GTR चलाई ना भाई, वो मजा तो आया ही, बट एंड में जो हम लोगों ने लाइक उसको बनाया ना भाई, सच्ची बताना, ब्लैक कलर में रेड कलर के रिम्स लग रहे थे, नहीं लग रहे थे किलर भाई, मेरे को सच्ची में भाई बहुत ज्यादा मस्त लगा। तुम लोग बताना कमेंट सेक्शन में तुम लोगों को कैसी लगी हमारी GTR भाई। बाकी हम लोगों की आंखें ना भाई उस 2020 GTR पे है, बट उसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए, जो कि 16 मिलियन क्रेडिट्स, जो कि बहुत ज्यादा होंगे, तो हमें बहुत सारी रेसेस करनी पड़ेगी। बट तुम लोग बताना अगर तुम लोगों को हराइजन देखने में मजा आ रहा है और तुम लोग और देखना चाहोगे, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। बाकी जिसने भी लाइक नहीं करा लाइक कर दो, जो भी नया चैनल है सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो तक, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन, मिलते हैं अगली बार तक, बाय।